नमस्ते, मैं उदयन मुखर्जी म्यूज़िक डायरेक्टर बोल रहा हूँ। मैं वेस्ट बंगाल के फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। कुछ फिल्म में मैंने म्यूज़िक दिए हैं और बहुत सारे एल्बम मेरे धुन पर बने हैं, रिलीज्ड हुए हैं, नॉन सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी का गाया हुआ। ये जो मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन ऑफ कोलकाता है, ये एक बहुत महान संस्था है। ये जो नाम मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन ऑफ कोलकाता है, सुनने के बाद पहला ख्याल आता है कि ये एक ओनली कल्चरल प्रोग्राम करते हैं रफ़ी साहब की याद में। नहीं, हाँ, प्रोग्राम तो करते ही है मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में, महान गायक। लेकिन इसके पैरेलल इन लोग बहुत सारे सोशल वर्क भी करते हैं और कर रहे हैं। अभी आप लोग को तो मालूम है, मोहम्मद रफ़ी साहब नॉट ओनली ए ग्रेट सिंगर बट ऑल्सो ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट सोशल वर्कर। बहुत सारे किस्से हैं, आप लोग को सब मालूम है रफ़ी साहब का, सोशल वर्क का और ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स का। तो ये मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन ऑफ कोलकाता भी ऐसे बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं और किए जा रहे हैं। अब ये आप लोग को जानना चाहिए ये क्वेश्चन कि रफ़ी साहब क्यों ग्रेट सिंगर है, क्यों इतने पॉपुलरिटी, क्यों रफ़ी साहब को अव्वल दर्जे का सिंगर माना जाता है। देखिए, इनका जो क्लासिकल है, मिठास है, सब कुछ है रफ़ी साहब के अंदर, लेकिन जिसमें रफ़ी साहब अव्वल नंबर है वो है सुर लगाना, पुकार एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में अव्वल नंबर है और एक्सप्रेशन मॉडर्न सॉन्ग में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन रहना ही चाहिए। नाटक को उभरना, सिचुएशन को उभरना अपने गले के जरिए एक्सप्रेशन, रफ़ी साहब उसमें अव्वल नंबर के हैं। रफ़ी साहब हर एक गायकी को चेंज करके करके एक्सप्रेशन देते थे। मैं भला होश में कैसे रहूं, एक बार कैसे रहूं, दोनों ही मीनिंग एक ही है लेकिन गायकी चेंज करके। ये आजकल के पीढ़ियों के सिंगर को बहुत समझना चाहिए गाने के ज़रिए। और रफ़ी साहब को गाना बहुत सुनना पड़ेगा, खाली सुनना ही नहीं, उनका जो गायकी का एक्सप्रेशन है, मोहब्बत, उदास, ये जो करते हैं, ये सब ध्यान देना चाहिए। ये नहीं करने से कॉम्प्लीट सिंगर नहीं होंगे, कॉम्प्लीट मॉडर्न सॉन्ग सिंगर नहीं होंगे वो। हमारा एक म्यूज़िक ट्रूप है, संगीतायन म्यूज़िक ट्रूप, जिसमें हर एक किस्म का सिंगर है टैलेंटेड कलकत्ता का। तो उसमें हम उसको, उन लोगों को हम, मैं ग्रूमिंग करता हूँ, ग्रूम करता हूँ और प्रोग्राम भी करवाता हूँ। ये सब मैं बार बार बोलता हूँ कि एक्सप्रेशन को ठीक कीजिए, क्लासिकल हो जाएंगे, क्लासिकल साधना करने से हो जाएंगे, इसलिए एक्सप्रेशन, दिल को ठीक कीजिए। एक्सप्रेशन नहीं होने से मॉडर्न सॉन्ग सिंगर नहीं हो सकेंगे। तो हम ऐसे ग्रूम करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं और बहुत सारे नए सिंगर भी आ रहे हैं हमारा संगीतायन म्यूज़िक ट्रूप में आ रहे हैं, रिहर्स करवाते हैं। अभी तो ऑनलाइन शो हो रहा है, कल भी होगा ऑनलाइन शो, आप लोग देखिएगा मेरे टाइमलाइन पर फेसबुक में, अभी तो ऑनलाइन शो कर रहा हूँ। तो इन लोग को हम, हर एक किस्म का सिंगर है, फोक सिंगर है, बांग्ला सिंगर है, रविंद्र संगीत सिंगर है, रफ़ी साहब का गाना तो होती है, शंकर जयकिशन साहब का गाना होता है, हम ऐसे सब्जेक्ट चुन करके मैं सिंगर फंक्शन करवाता हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब
फाउंडेशन, मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन ऑफ कोलकाता, संगीतान म्यूज़िक ग्रुप को इनवाइट किया था और रफ़ी साहब की याद में एक प्रोग्राम हुआ था, हम लोग किए थे संगीतान म्यूज़िक ग्रुप, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था जोगेश माइम में, जोगेश माइम ऑडिटोरियम कोलकाता 2019 में। मैं इसके लिए मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन ऑफ कोलकाता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सक्सेस प्रोग्राम हुआ था, हॉल पैक्ड था। कौन कहता है कि रफ़ी साहब का फ़ैन कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में नहीं है। हाँ, यहाँ रफ़ी साहब थोड़ा डिप्राइव्ड है, लेकिन हमारा म्यूज़िक ट्रूप, संगीतायन म्यूज़िक ट्रूप, मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन कोलकाता, ये लोग बराबर चेष्टा कर रहे हैं कि रफ़ी साहब का प्रोग्राम कलकत्ता में ज़्यादा हो। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।